अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद दस्तगीर है, मेरी उम्र 65 साल है, मैं मोहम्मद नगर बल्ला गोड़ा हैदराबाद तेलंगाना स्टेट का रहने वाला हूँ। मैं साइकिल पर जो सफ़र करते हुए दरगाह शरीफ की ज्यारतों के लिए निकला हूँ। मैं कौमी एकजहती के आज से जहाँ पे लोग क्या है फ़िरका परस्त लोग हैं, फ़िरका फैलाते करते हैं, सब एक रहना बोल के इनके हक में एक जीती रहना बोल के इनके हक में दुआ करने के लिए दर बारगाह में हाजिरी दे रहा हूँ। मैं 2015 से फिर रहा हूँ। मैं अब मैं हैदराबाद से अजमेर शरीफ गया, अजमेर शरीफ से दिल्ली गया, दिल्ली से आगरा मथुरा होते हुए नागपुर से अब हैदराबाद के लिए रवाना हुआ हूँ। मेरा ये पैगाम है मुल्क में सब अमन शांति रहना, सब मिलजुल के रहना, ये मेरा पैगाम है। ये और साइकिल भी फिरने का मतलब क्या है, पहले के दौर में क्या है लोग पैदल फिरते थे, साइकिल चलाते थे, सेहतमंद रहते थे, आज के दौर में कोई साइकिल नहीं चला रहे। तो जवान बच्चों के लिए मेरी तरफ से मैसेज है, साइकिल चलाने से आदमी सेहतमंद रहता, कोई बीमारी अटैक नहीं होती, हर बीमारी से आदमी बच सकता। जनाब दस्तगीर साहब 65 साल की उम्र में साइकिल पर तकरीबन 5000 किलोमीटर के दौरे पर जो निकले हैं, काबिल सिताइश है, काबिल तहसीन है उनका एकदम। हम तहे दिल से उनको उनका इज़हार तशक्कु भी करते हैं उनसे, इस वजह से कि वो कौमी यकजहती का पैगाम लेकर निकले हैं। वो ये चाहते हैं कि आज चंद मफाद परस्त हिंदुस्तान में ज़ात के नाम पे, मज़हब के नाम पे फ़िरका परस्ती फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन हालात में जनाब दस्तगीर साहब हर एक में ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि सबको मिलजुल कर हिंदुस्तान को तरक्की पर पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि सब मिलजुल कर रहें। हम सिताइश करते हैं उनके इस जज्बे की।